हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पेटीएम का फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट कैसे बना सकते हैं। तो आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोगों ने कमेंट भी किया कि गूगल पे का कैसे बनाते हैं और अमेज़न पे का भी, फ़ोनपे का भी। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि अमेज़न पे, गूगल पे, फ़ोनपे का भी स्क्रीनशॉट, फेक स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती है कि इसका बस प्रैंक के लिए यूज़ कीजिएगा, सीरियसली यूज़ नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज ये सब के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करनी होगी, सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन, बस एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और फ़ोनपे का भी, गूगल के पे का भी, अमेज़न पे का भी, सभी का आप एक ही ऐप में स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, फेक पेमेंट बनाने के लिए सबसे पहले क्रोम ओपन करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे प्रैंक पेमेंट, जैसे सेम लिखा हुआ क्लिक करेंगे। फर्स्ट में जो भी आएगा उस पर क्लिक करेंगे, आप देख लीजिए। क्लिक करेंगे इस पर, उसके बाद ये देखिए ये लोगो है, बस नीचे जाएंगे, ये स्क्रॉल करेंगे, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये जो भी ऐड आएगा उसको क्लोज कर देंगे सीधा सा। ये जो फर्स्ट वाला है उसको टच भी नहीं करना है, जो फर्स्ट में रेड कलर का शो करे उसको कुछ नहीं कीजिएगा। सीधा जाइएगा प्रैंक पेमेंट, ये जो है 4.0 ओरिजिनल 8 MB का है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप। क्लिक करेंगे, ये 5 सेकंड है तो 5 4 3 1, बस हो गया। आ जाएगा यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन, स्टार्टिंग डाउनलोड कीजिएगा। अगर फर्स्ट बार में अगर क्लिक हो जाए, फिर सर्च ले ले, फिर से स्टार्टिंग का ऑप्शन आए तो आप स्टार्टिंग ही कीजिएगा। जैसे मैं एक बार करके बता देता हूँ, स्टार्टिंग किए, देखिए आ गया ना। फिर से और फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फिर ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, फिर जाता हूँ ऐप पे। ठीक है तो दोस्तों, ये रहा मेरा ऐप, इसको ऑन करते हैं। ये देखिए, इस पर आप चार हो गया, पेटीएम, अमेज़न पे, गूगल पे और फ़ोनपे, ये चारों का आप एक ही ऐप पे, मैंने बोला था जैसा कि सभी का आप एक ही ऐप पे बना सकते हैं, ये चारों का भी आप एक ही ऐप पे बना सकते हैं, पेटीएम का भी बना सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको पेटीएम का बता दिया है। सभी लोगों का कमेंट था कि गूगल पे का बताइए, तो मैंने गूगल पे का अभी बता देता हूँ। जैसे रिसीवर, जैसे कि हम किसी को भेज रहे हैं तो उसका नाम पूछ लेंगे एक बार, जैसे कि या तो आपको प्रैंक कर दो, अपने फ्रेंड को ही भेजिएगा, तो किसी भी फ्रेंड का नाम लिख देते हैं। जैसे सचिन लिख दिया मैंने अपना नाम, उसके बाद जैसे हम पे फ़ोन नंबर लिख देते हैं, कुछ भी रैंडमली लिख देते हैं फ़ोन नंबर, उसका UPI लिख देते हैं, कुछ भी। मैं अभी जस्ट आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। अब सेंडर का नाम, जैसे कि हम भेज रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, तो मैंने कुछ लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिसीवर में अपना नाम डाल दिया है, तो इसीलिए। उसका UPI ID आप जानते ही हैं, जैसे कि UPI ID गूगल पे का कैसा होता है, यहाँ पे @ और उसके बाद ओके ICICI करके शायद रहा था, हाँ शायद ऐसा ही रहा था। आपको ऐसे ही अब देख लीजिएगा गूगल पे में आपका ओरिजिनल कैसा है UPI ID, वैसे ही लिख दीजिएगा। उसके बाद अमाउंट, जैसे कि अब 2000 5,000 कुछ भी लिख सकते हैं, इतना नहीं, 500 रुपये कुछ लिख देता, आपके ऊपर डिपेंड करता। यहाँ पे आप डेट, बस यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे कि डिफ़ॉल्ट के बाद जो अंक लिखा हुआ है तो वैसे ही आप यहाँ पे बढ़ना है, तो कुछ भी जितना एक बार गिन लीजिएगा। उसके बाद ID जो भी है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्रैकेट में बना हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है इस ऐप की कि बना हुआ है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि ऐसे ही इसमें लिखिए ट्रांजैक्शन ID जैसे। और आप किसी को भेज रहे होंगे तो उसका जो स्क्रीनशॉट होगा आपको पहले से एक होगा, तो उसमें देख लीजिएगा कैसे रहता लिखा हुआ, अब बस कर दीजिएगा यहाँ पर, बस सबमिट करेंगे। और ये देखिए पेड आ गया, 500 रुपये आ गया, और ये आ गया डेट वगैरह। बस यहाँ से कुछ भी क्लिक कीजिएगा, काम करेगा नहीं, बस इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और भेज दीजिए, आराम से हो गया। और गूगल पे का आप समझ गए हैं। उसके बाद अब जाते हैं, बैक करते हैं, फिर बैक करेंगे, बैक आ जाएंगे, फिर आपको बता देता है अमेज़न पे का। सबसे सिंपल है अमेज़न पे का, अमेज़न पे में कुछ नहीं लिखना है भाई, जिसको भेज रहे उसका नाम लिखिए, फ़ोन नंबर डाल दीजिए कुछ भी नॉर्मल, और बस अमाउंट डाल दीजिए, मैं ज़्यादा नहीं, बस 100 रुपये डाल देता हूँ, 1000 रुपये हो गया, चलिए कोई बात नहीं, 1000 रुपये हो गया। अब कितना बच रहा है आपके वॉलेट में वो लिख देता हूँ, जैसे मेरे वॉलेट में 500 रुपये बच रहा है, नॉर्मली सिंपल सी। और सेम वैसे ही उसमें गूगल पे में था, इसमें भी है, बस वैसे ही लिख दे रहा हूँ, बस सबमिट करेंगे, लीजिए जी। 1000 रुपये आपने सचिन झा को पेड कर दिया। भाई मुझे नहीं किया है, बस मैं बता रहा हूँ। और 2 रुपये साथ में आपको कैशबैक मिल रहा है, ये भी ध्यान रखना। 2 रुपये अपने वॉलेट में रख लेना। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे बस प्रैंक के लिए आप यूज़ कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ 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 प्रैंक के लिए यूज़ कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में लिखिए कि और क्या क्या आगे कंटेंट लाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद।